कोयला तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल की प्रभावशाली नेता व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की काफी करीबी श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक के घर सीबीआई की छापेमारी जारी है। ये छापेमारी कोयला घोटाला के संबंध में है। इस मामले में ईडी ने पहले भी उन्हें तलब किया था। बुधवार को सीबीआई ने कोलकाता स्थित उनके आवास पर छापेमारी की। कोयला घोटाला मामले में टीएमसी के एक अन्य विधायक सुशांत महतो भी जांच के दायरे में है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में मंत्री मलय घटक की भूमिका की जांच के लिए यह छापेमारी की गई है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल के समीप कुनस्टोरिया और कजोरा क्षेत्र में ईसीएल कोयला खदान से अवैध खनन करने का मामला जांच के दायरे में है। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी से भी पूछताछ की थी। इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू पर भी जांच की। वहीं सीबीआई इसके आपराधिक पक्ष की पड़ताल अभी भी कर रही है। आपसे क्या पूछताछ किया? हमको कुछ नहीं पूछा भाई। हमको कुछ नहीं पूछा। किसका घर है? मलब का घर है। भीतर में कितना आदमी है? टोटल कितना आदमी लोग हैं? और हम भीतर में कितना आदमी कितने लोग हैं? हम लोग काम करते हैं। अंदर में कितने लोग हैं?